बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद घंटे बाद ही भाई पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। मैं सऊदी अरब से लाइव हूं, यहां से बैठकर देखेंगे। तमामतर दोस्त अहबाब भी मेरे, आप भाई कहां से लाइव हैं मुझे बताइएगा। मेरे तमामतर पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानियों को भाई इस मैच का भाई शिद्दत से इंतजार है, जो कि चंद घंटे बाद ही शुरू होने वाला है। आपको पता है जीतने वाली टीम 14 नवंबर को भाई न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेलेगी। न्यूजीलैंड इंग्लैंड को पहले ही हराकर भाई फाइनल में अपनी जगह बना चुका है, जो कि एक काफी स्ट्रांग टीम न्यूजीलैंड की अभी सामने आ चुकी है। हालांकि पाकिस्तान इसे पहले शिकस्त दे चुका है। अगर बात करें भाई आज के शुएब मलिक और रिजवान के मुतालिक, तो खबरें गर्दिश कर रही हैं इनको टीम में क्या खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि इन दोनों की तबीयत नासाज है। मैं आपको यहां पर जो अभी तक के भाई कन्फर्म जराये से पता चल चुका है उसके आपको, यानी कि उस चीज से आपको अपडेट कर देता हूं मैं। सबसे पहले अगर टास्क के मुताबिक बात करें, तो जीतने वाली टीम, जो टीम टास्क जीतेगी उसको डेफिनेटली बात है भाई फायदा होने वाला है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बैक हिस्ट्री हम देखें पाकिस्तान के साथ, तो किसी भी नॉकआउट मैच में पाकिस्तान ने भाई ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नहीं दी है, ये बात एक काबिल गौर है। लेकिन अगर इंडिया के साथ देखें तो हमने इंडिया को शिकस्त दी है। अगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का देखें तो न्यूजीलैंड भाई कभी भी इंग्लैंड से नहीं जीता था, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया है। तो इस बात के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर अगर प्रेशर हो तो ये एक मेरे हिसाब से गलत बात होगी। दूसरे नंबर पर अगर बात कर लेते हैं फखर जमान के मुतल्लक, मैं खुद से आपको बता रखा हूं ये बात, ये किसी मुझे अजराय वगैरह से पता नहीं चला है, लेकिन मुझे खुद से लग रहा है कि फखर जमान आज अच्छा खेलेगा। अच्छा खेलने से मुराद अभी 50 करेगा, सेंचुरी करेगा, ये तो भाई अभी चंद घंटे बाद ही पता चल जाएगा। और अगर रिजवान और शुएब की बात करें तो इनको भाई हल्का बुखार था और इनको फ्लू का, यानी कि इनको हल्का फुल्का फ्लू था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको डोज वगैरह दी गई हैं, ये क्लियर हैं। इस वायरस के, यानी कोरोना वायरस के इनके टेस्ट भी करवाए गए हैं, जो कि क्लियर आए हैं। और आपको एक चीज मैं और यहां पर बता दूं भाई, आप अपने मोबाइल में, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है मेरे खासकर, अपने मोबाइल में अगर ये मैच आप लाइव देखना चाहते हैं गेंद टू टेंड, यानी कि आपकी एक भी गेंद मिस नहीं होगी, तो पीटीवी स्पोर्ट्स यहां पर आपको दिखा रहा हूं मैं, देख लें आप, ये ऐप है जी पीटीवी स्पोर्ट्स, आप से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप में भाई, या बैठकर एंजॉय करें, बिल्कुल लाइव चलता है मैच, कोई किसी किस्म का यहां पर भाई एक दो गेंदे पीछे ऐसा मामला नहीं होगा, बशर्ते कि आपका नेट सही चलता होना चाहिए। और अभी भाई चंद घंटे बाद ही मैच शुरू होने वाला है, 50-50 चांस बोले जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान के भाई 60% चांस है। आपके हिसाब से पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया दोनों में से कौन जीतेगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपके साथ मैं रात को वीडियो शुरू करूंगा तमाम तर दोस्त अहबाब के साथ, जो कि हम जश्न मना रहे होंगे अगर पाकिस्तान जीत गया, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जीतेगा भी।